बस्तर जो प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, दंतेवाड़ा की हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की गणेश मूर्ति जो आपने देखी ही होगी, आज हम आपको एक अनोखी गणेश जी की दर्शन कराएंगे जो बहुत ही दुर्लभ चतुर्भुजी गणेश जी हैं। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ये अनोखी प्रतिमा विशालकाय पहाड़ पर स्थित है जो बेलाडीला की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 3000 फीट ऊंचे ढोलकल शिखर पर विराजमान है। ये दुर्लभ चतुर्भुज गणपति बप्पा 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी राजाओं ने बेलाडीला की पहाड़ियों पर गणेश प्रतिमा स्थापित की थी। इस प्रतिमा को छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे स्थल पर स्थापित होने का गौरव प्राप्त है। ढोलकल की पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा से फरसपाल और फिर वहां से ढोलकल जाया जाता है। करीब 27 किलोमीटर की दूरी में से 7 से 8 किलोमीटर जंगल की पगडंडियों के सहारे गुजरना होता है। इसके बाद 2500 फीट की ऊंचाई पर इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ये प्रतिमा 5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी होने के साथ ही ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा बेहद कलात्मक है। हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश और परशुराम का इसी शिखर पर युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान परशुराम के फरसे से गणेश जी का एक दांत कट गया था। इस घटना के बाद छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई थी। परशुराम के फरसे से गणेश का दांत टूटा था, इसीलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे एक गांव का नाम फरसपाल रखा गया। इस प्रतिमा के दर्शन के लिए ग्रामीणों के सहयोग से शिखर तक पहुंचा जा सकता है। जामपारा पहाड़ के नीचे है। यहां से करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी पगडंडियों से होकर ऊपर पहुंचना पड़ता है। दुर्गम रास्ते होने के कारण ढोलकल गणेश प्रतिमा में श्रद्धालु विशेष मौके पर ही पहुंचते हैं। ढोलकल के विषय में छत्तीसगढ़ के पुरातत्व समिति सदस्य हेमंत कश्यप ने ढोलकल की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि ढोलकल प्रतिमा मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी पर यह गणेश प्रतिमा विराजमान है और ढोलकल में जो दर्शनीय स्थल है उसको जामपारा के जो लड़के हैं गाइड का काम करते हैं। बाकायदा आप जाइए, आपका पूरा सामान लेके, पानी पानी वानी जो खाने का सामान लेके आपको बाकायदा मदद करते हैं। तो ढोलकल को जिस तरीके से विकसित हुआ है, वैसे बस्तर में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ गणेश प्रतिमा बिखरी पड़ी है, उनको भी सहेजा जाना चाहिए और ढोलकल की तरह उनको भी संवर्धित करके और हमारे पौराणिक ऐतिहासिक जो स्थल है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। ढोलकल की यात्रा पर पहुंचे पर्यटक अविनाश प्रसाद ने बताया कि ढोलकल पर्यावरण स्थल जाने का आनंद अपने आप में अलग है। इस दौरे में पर्यटन के साथ साथ साहसिक यात्रा और धार्मिक यात्रा भी हो जाती है। देखिए, ढोलकल के जो गणेश भगवान हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ की जो यात्रा है वो अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि एक तरह से आपका जो एक पर्यटन है वो हो जाता है और एक तरह से आपकी धार्मिक यात्रा भी हो जाती है। उतना लंबा सफ़र और उतनी ऊंचाई पे चढ़ना और उतनी ऊंचाई पे चढ़कर जब आप पूरी तरीके से थक कर चूर हो चुके हैं होते हैं, ऐसे समय में विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन वहाँ होते हैं और वहाँ का जो पूरा आसपास का एक विस्तृत इलाका है, दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़रें जाती हैं वो एक खूबसूरत इलाका है। तो वहाँ का पर्यटन का अपना एक अलग आनंद है। एडवेंचर भी इस पूरे टूर में शामिल होता है, क्योंकि वो पहाड़ियों का जो अलग अलग हिस्सा है वो एक खतरनाक चढ़ाई है अपने आप में। तो ढोलकल का ये जो पूरा का पूरा दौरा है अपने आप में रोमांच और साथ ही भक्ति भावना और पर्यटन के अनुभव के साथ जुड़ा होता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 2500 फीट ऊंचाई पर ढोलकल की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक गणेश प्रतिमा एकाएक गायब हो गई। बाद में पहाड़ी के नीचे खाई में ये प्रतिमा खंडित अवस्था में पाई गई थी, जिसके बाद फिर से प्रतिमा को स्थापित कराया गया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस प्रतिमा की स्थापना छिंदक नागवंशी राजाओं ने कराई थी। इसके इर्द गिर्द सूर्य और शिव की प्रतिमा भी स्थापित की गई, लेकिन वर्तमान में यहाँ अब अवशेष ही शेष हैं।
ढोलकल शिखर की खोज स्थानीय ग्रामीणों ने की थी, जिसकी अब देश विदेश में काफी मान्यता है। जनतंत्र टीवी के लिए जगदलपुर बस्तर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।